अरे आप विश्वास नहीं रहते गाज बिटी है अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज कुछ दिनों बाद आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बाबा जी की आप दोबारा से वीडियो बनाएं, तो हम बाबा जी से आज फिर दोबारा मिले हैं, आज उनकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर हुए हैं। तो अल्लाह के करम से आप लोगों को ये न्यूज़ बताता चलूं, बाबा जी बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत खुश हैं इन पहाड़ों में। तो कुछ लोगों की अमानतें भी थोड़ी बहुत थी, तो इस बार हमने उनके लिए कुछ कराकरी के सामान और खाने पीने की चीज़ें उन तक पहुँचाए। तो जज़ाकल्ला, अल्लाह पाक आप लोगों को जजाए खैर दे। बाकी बाबा जी खैरियत से हैं, ये देखें नाज़रीन। तो ये जो बातें कर रहे हैं बाबा जी, ये आप लोगों के लिए बाबा जी मैसेज दे रहे हैं, बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं आप तमाम व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इनकी वीडियोस को बहुत पसंद किया, शेयर किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको उनकी मुश्किलात भी थोड़ी बहुत आसान हो गई हैं। तो एक और न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ, बाबा जी ने हमें ये बात बताई, हमें बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि यहाँ पे जो सियाचिन में जो हमारे पाक फौज के जवान रहते हैं, गालिबा 323 ब्रिगेड के जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पे आए थे और बाबा जी को ये यकीन दिलाया है कि उन्होंने उनको नया घर बना के देंगे। तो उनकी घर आप देख सकते हैं हालात काफ़ी ख़राब है, तो हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई बाबा जी के लिए वो लोग घर बना के देंगे। बस आप लोगों की ये मोहब्बत की वजह से ही हुआ है, आप लोगों ने बाबा जी की वीडियो को बहुत पसंद किया, आप लोगों ने शेयर किया, इस वजह से इस पे एक्शन हुआ और बाबा जी की काफ़ी मुश्किलात इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हल हो जाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, तो हम बाबा जी के लिए कुछ सामान वगैरह लेके आए थे जो आप लोगों में से अल्लाह के नेक बंदों ने भेजे थे, थोड़े पैसे भेजे थे, तो हम इनसे इनके लिए ये देखें, ये एक बिछाने के लिए चटाई एक लिया है और कुछ सामान अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें और कराकरी की कुछ सामान हमने लिए हैं, क्योंकि बाबा जी को यहाँ पे ये ज़्यादा ज़रूरत थी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे दोस्त शुकुर अली इस वक्त ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अल्लाह उनको जजा दे। तो ये देखें अभी हम ये बिछाएंगे और बाकी कराकरी की चीज़ें भी हम बाबा जी के लिए यहाँ पे सेट करके जाएंगे, क्योंकि उनको इस्तेमाल करने में आसानी हो। ये देखिए नाज़रीन, अब आपने मुझे बताना है आप बाबा जी का किचन कैसा लग रहा है। ये देखिए नाज़रीन, तो हमने ये चटाई यहाँ पे बिछा दिया है, बाकी ये कराकरी की चीज़ें यहाँ पे सेट कर दिया है, कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ पर मौजूद है, जब ज़रूरत पड़ेंगे तो बाबा जी खुद ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पहले की नस्बत अब बाबा जी का किचन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आज हम जब से आए यहाँ पे बाबा जी तो यहाँ पे हैं, लेकिन उनकी वाइफ हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। बाबा जी का कहना है वो काम के सिलसिले में इधर करीब ही कहीं पे मौजूद है, लेकिन पता नहीं कहाँ पे। तो हम इधर इर्द गिर्द कहीं देखते हैं, अगर अम्मा जी से भी मुलाकात हो जाए तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी होगी। तो देखते हैं अगर इर्द गिर्द
बाबा जी की वाइफ है, तो हम उनसे भी मिलेंगे और उनकी भी हाल चाल हम पूछेंगे। السلام علیکم آپی، ٹھیک ہوتا ہے؟ آرام ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں ناظرین، تو فائنلی ماں جی اور ان کے بیٹے غلام مہدی بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہوتا آرام ہوتا تب ٹھیک ہوتا اچھا اچھا یہ دیکھیں، پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا بابا جی کا بیٹا غلام مہدی ہے، تو یہ ابھی گھاس وغیرہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو یہ واپس لوٹے ہیں اور ماں جی بھی آئی ہوئے ہیں یہاں پہ۔ ایک دو تین چار پانچ آبا۔ یہ چھوٹی سی بچی مہدی بھائی کی یہ بیٹی ہے، نام کیا ہے بچی؟ میتا پچن زہرا، زہرا ہی نا جی، ان کا نام زہرا ہے۔ یہاں اردو سو مینا مچ ابراہیم ہے، یہ قوم پہ کیا ہے؟ قوم پہ بو حکیم لاکشک پہ لاکشک پہ علی ہے قوم سم نالا اپو چورو سے بھی چورو جو لے مچت پہ چوتی اپو سر مچت چا مچت گوری چت پیچھا ہو۔ یہ دیکھیں ابھی ان کا لنچ ٹائم ہو چکا ہے، تو ابھی یہ مہدی بھائی بھی اس وقت لنچ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، یہ دیکھیں، تو مہدی بھائی اس وقت پانی کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آس پاس صاف پانی نہیں ملتا، بلکہ پانی ہی نہیں ملتا ہے یہاں پہ پینے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے، تو کافی نیچے جانا پڑتا ہے پانی کے حصول کے لیے۔ تو یہ دیکھیں مہدی بھائی اس وقت یہ سارے بوٹلز جمع کر رہے ہیں، اور مہدی بھائی ابھی یہ دیکھیں یہ چوروں جسے کہا جاتا ہے ہماری زبان میں ٹریڈیشنل باسکٹ، اس میں لاد کر لائیں گے۔
ये देखिए इस वक्त महदी भाई जा रहे हैं नीचे, ये यहाँ से रवाना हो चुके हैं साफ पानी लेने के लिए। ये देखें ये बाबा जी के घर की छत पे अभी हम आए, तो यकीनन आप सोच रहे होंगे बाबा जी फिर कहाँ पे सोते हैं, तो बाबा जी रात को यहीं पे सोते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इस छत पे ही बाबा जी सोते हैं। ये देखें बिस्तर वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं, तो बाबा जी इस पुरफिजा मुकाम पर रात को सोते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुबानी सुखाने के लिए इन्होंने रखा है, ये देखें। और उसके साथ साथ बाबा जी ने अपने गाय को खिलाने के लिए यहाँ पे घास वगैरह भी यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, ये भी यहाँ पे सूखने के लिए रखे गए हैं। ये देखें बल्तिस्तान में खुबानी का सीज़न चल रहा है, तो बाबा जी ने भी यहाँ पे ये दाने अलग करके खुबानी को यहाँ पे सुखाने के लिए रखा है। तो जब ये सूख जाएंगे तो बाबा जी इसको चार हजार।